इंडियन एक्सप्रेस का कोई रेलेवेंस सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं है। ओए, इंडियन एक्सप्रेस के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। भाइयों बहनों, अगर एग्जाम पास करना है तो मैं आज ही बता रहा हूँ, इस लड़के की बात मैं बिल्कुल मत आना। क्या रखा है आपके इंडियन एक्सप्रेस में? पंद्रह क्या रखा है? 15-15 पेज का तो भाई साहब टेंडर दे रहा है, लड़के को एग्जाम निकालना है, टेंडर दे कम से कम साउथ इंडिया के हर गली कस्बे की न्यूज तो नहीं दे रहे हम? इंडियन एक्सप्रेस नेशनल न्यूज दे रहा है हर रीजन की, हिंदू क्या दे रहा है? आज दर्जर की न्यूज, आज टेंडर दे रहा है 10-10 पेज के, कल 5-5 पेज का टेंडर देगा आपका इंडियन एक्सप्रेस, ये पढ़े हो? हिंदू में क्या रखा है? इतनी मुश्किल लैंग्वेज है कुछ समझ ही नहीं आता। काला अक्षर भैंस बराबर है, क्या करें उस अखबार का? नहीं, पकौड़े वाला पकौड़े भी नहीं रैप करेगा उसमें। अच्छा तो इंडियन एक्सप्रेस ले लें भाई साहब, जिसके एक्सप्लेन पेज में कोरोना की पीएचडी करा दी, रोज सुबह उठ के बंदा ये देखे 1,00,000 आदमी को कोरोना हो गया, 2,00,000 आदमी को कोरोना हो गया, मतलब आदमी सुबह उठ के अखबार खोलता है जीवन में ये देखता है कि नहीं यार कुछ अच्छा सीखूंगा, देखूंगा कि चलो दुनिया में चल क्या रहा है, कोरोना देख लिया मौत होगी तो ये कर लूं मैं। हिंदू में आता क्या है? इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, बांग्लादेश की इकोनॉमी थोड़ी ना, आधे पेज में आपका इकोनॉमी पेज खत्म हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस में कम से कम डिटेल में कवरेज तो आ रही है, हिंदू में क्या आ रहा है? हमारे हिंदू में इकोनॉमी आती है, और हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी के आर्टिकल्स लिखते हैं एडिटोरियल पेज पे, वो रिटायर्ड इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिखते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर लिखते हैं। एक कोरोना नहीं खत्म होता तो उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि भैया आपके इंडियन एक्सप्रेस में इतना ज्यादा जो है कोरोना हो गया, फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, इसके बियॉन्ड भी तो भाई साहब भारत में कुछ हो रहा है। हिंदू की तरह थोड़ी ना बॉल बाय बॉल कमेंट्री। आज श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आज कौन सी दाल खाई, कौन सी रोटी खाई, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में कौन सी बिरयानी बन रही है, इससे हम क्या करें? लेकिन हिंदू को तो पेज भरने हैं, अखबार भी तो चलाना है। साउथ इंडिया की न्यूज खत्म हुई तो बांग्लादेश की बिरयानी पे पहुंच गए। अच्छा तो आपके यहाँ पर तो पेज भरने की बात होती नहीं, आपके जो एडिटर इन चीफ है उनका लोकप्रिय स्पोर्ट्स जो है फुटबॉल है, तो भाई साहब स्पोर्ट्स पेज पे बंदा चला जाए तो क्रिकेट की न्यूज इतनी सी जैसे थंबनेल आ रहा है किसी कोचिंग का, और उसके बाद भाई साहब पूरे पन्ने पे पन्ने भरे जा रहे सिर्फ फुटबॉल पे फुटबॉल। तो हमारा अखबार भी तो बड़ा है, आपकी तरह थोड़ी ना 5 पेज का अखबार है, ये नोट्स थोड़ी ना कोई अखबार अखबार की तरह छपता है। वाह वाह वाह, अखबार बड़ा है जिसमें 15 पेज का टेंडर, 15 पेज का टेंडर, उसके बाद सिर्फ फुटबॉल ही फुटबॉल। वाह, ये तो अखबार बड़ा है, क्वालिटी कंटेंट है एक पेज का आपके अखबार में। हमारे यहाँ पर 10 पेज में से 9 पेज क्वालिटी कंटेंट है। आपके अखबार में सारे टॉपिक्स ही नहीं कवर होते, आप एक भी दिन कंपेयर कर लो। इंडियन एक्सप्रेस में कवरेज ज्यादा है, प्रधानमंत्री कहाँ गए, पार्लियामेंट में क्या हुआ, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है पूरा का पूरा पार्लियामेंट का ऊपर पेज आता है कि कौन सा मोशन पास हुआ जो एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। हिंदू की तरह नहीं, एक पेज में आज पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन हुआ, सेशन खत्म। नहीं तो भाई आज अगर एक मोशन पास हो गया उसके बाद एस्पिरेंट को 1 साल के बाद अगर याद रखना है तो वो थोड़ी एग्जाम में आएगा, वो तो अगर कल सुबह एग्जाम है तो उसके लिए रेलेवेंट है। एग्जाम के लिए तैयारी करनी है या लूज मोशन करनी है? हिंदू में कभी इकोनॉमी की कवरेज देखी है? आधे पेज में तो इकोनॉमी खत्म होते शुरू हो जाती है, ये कोई बांग्लादेश की इकोनॉमी की न्यूज थोड़ी ना है जो आधे पेज में खत्म हो गई, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, आपके अखबार में कुछ कवर ही नहीं होता है। इकोनॉमी सिर्फ एक पार्ट नहीं है पूरे पेपर का, हमारे इंडियन एक्सप्रेस को आप जो कह रहे हैं इकोनॉमी कवर करता है, हिंदू में जो IR के आर्टिकल आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के आर्टिकल आते हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट लिखते हैं, रिटायर्ड सिक्योरिटी वाले लिखते हैं, आपके इंडियन एक्सप्रेस में कौन लिखता है? हमारे इंडियन एक्सप्रेस में सी राजामोहन लिखते हैं, जिनका इंटरनेशनल रिलेशंस का एडिटोरियल इतना जबरदस्त है। हमारे यहाँ पर हर्ष पंत लिखते हैं, आपके सी राजामोहन से ऊपर है, हमें मत सिखाइए आप। कुछ हलवल निकालेंगे ऐसे लड़ते रहोगे। सर एक काम करते हैं, पहले मैं बॉटल यहाँ रखता हूँ, और सर आप एक्चुअल में हल बताइए क्या करें। लर्नर बड़े परेशान रहते हैं कि सर द हिंदू पढ़े कि ये पढ़े, और हिंदी मीडियम वाले अलग बेचारे परेशान है। मैं चाहता हूँ एक हल मिल जाए। सुदर्शन सर आज आप बीच में मत आइए, आज ये फैसला हो जाने दीजिए, मुझे हल चाहिए, ये फैसला हल के लिए होगा। इंडियन एक्सप्रेस हल के लिए आया हूँ, तैयार हो? मैं तैयार हूँ जी, मैं तो तैयार। तुम भी तैयार हो? आज हल निकालेंगे हम, हमारे छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर प्लीज, इंडियन एक्सप्रेस में बेसिक टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, हिंदू की तरह नहीं, कोई भी ऐसी इधर उधर की भाषा लिख दी मार्च की, एस्पिरेंट बेचारा परेशान हो रहा है क्या पढ़े क्या ना पढ़े। एस्पिरेंट को एक इंटेलेक्चुअल बेस, एक सिविल सेवा की तैयारी करने वाला 22-23 साल का, अगर 25 साल का लड़का जो है, अगर उसको एक इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड नहीं है तो ये उसकी स्कूलिंग की गलती है। आप इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की बात नहीं करिए, आप इंस्टाग्राम के बाबू सोना के लिए ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। हाँ तो यानी कि आपने इस बात को फाइनली मान लिया कि आपका इंस्टाग्राम और वो बेसिकली बाबू सोना वाले लेवल का न्यूज पेपर है आपका? आपने अपना हिंदू के नाम के ऊपर। सर आप ही बता दीजिए कि ये कब से ये लोग झगड़े जा रहे हैं। सर यू प्लीज टेल अस, सर प्लीज एनलाइटन अस। मित्रों ये बात सही है कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, 30 दिन की डाइजेस्ट आपको करंट अफेयर्स PDF फाइल एक जगह मिल जाएगी, तो वैसा है 30 दिन बाद एक दिन में खा लो, पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा।
आराम से डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वोकेबुलरी आर्टिकुलेशन स्किल लॉजिकल ऑर्डर वो सब समझ में आएगा। जो अखबार आपको ठीक लगता है, जो आपके घर के करीब आसानी से मिलता है, चाहे द हिंदू है चाहे इंडियन एक्सप्रेस है, उसको आप पढ़िए। खासकर जो कॉलम्स है उसको पढ़ने की आदत रखिए, उसमें से वोकेबुलरी डेवलप हो। फैक्ट्स की बातें तो 19-20 का फर्क छोड़ दें तो सभी जगह कॉमन चीज़ें तो दोनों ही जगह कवर होने वाली है, तो आपका कुछ लूट नहीं जाता। तो ऐसे इस चीज़ों का इस्तेमाल करिए।